पीटर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक हाई पोस्ट पर जॉब कर रहा था, जहां पर उसको काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी। उस कंपनी में जब भी वो काम करता था तो उसमें उसका मन लग जाता था। मतलब ओवरऑल पीटर की लाइफ एक सही ट्रैक पर चल रही थी। फिर एक दिन जब पीटर सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गया तो उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त फ्रेड से हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की। फिर जब बात जॉब और सैलरी पर आई तो फ्रेड पीटर की जॉब पोस्ट और उसकी सैलरी जानकर दंग रह गया, क्योंकि जब दोनों कॉलेज में थे तो दोनों ही एक एवरेज स्टूडेंट थे। इवन पढ़ाई में तो पीटर फ्रेड से भी ज्यादा बुरा था, पर आज वो इतना ज्यादा कामयाब है। इसलिए फ्रेड ने पीटर से पूछा कि तेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आखिर आया कैसे, क्योंकि हम दोनों ने पढ़ाई और बाकी सारी चीजें भी सेम ही की थी, फिर तू आगे कैसे निकल गया। तो फ्रेड के पूछने पर पीटर उसको जवाब देता है, देख जब मैंने जॉब ढूंढने की स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास उस वक्त उतनी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से ही मुझे बड़ी बड़ी कंपनी से रिजेक्शंस मिल रहे थे, और कोई छोटी जॉब मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम थी, और इतनी कम सैलरी से मेरे घर का तो क्या, मेरा खुद का खर्चा नहीं चल पाता। फिर बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज देने के बाद मुझे समझ आया कि पैसे कमाने के लिए अब मुझे और सीखना होगा, मुझे अलग अलग तरह की नॉलेज को एक्वायर करना होगा और साथ ही मुझे नई स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी। फिर मैंने जैसा मेरे मन में चल रहा था बिल्कुल वैसा ही किया। मतलब मैंने अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया, और इस चीज का मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि आज तो देख ही सकता है कि मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। और इसी के साथ पीटर ने उससे ये भी कहा कि फ्रेड देख, तू स्टिल अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकता है, बस तुझे अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाते रहना होगा, और इसके लिए तुझे खुद पर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट तू अभी खुद पर करेगा तो उसका तुझे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात सुनकर फ्रेड कहता है, देख तेरी ये बात मेरे जरा भी पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने तो पहले से ही बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो मुझे खुद पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। और खुद पर इन्वेस्ट करने की जगह अगर मैं इन पैसों को और कहीं लगा दूं तो मुझे वहां से कुछ ही सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और रही बात नॉलेज की, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और स्किल्स भी मैं क्या ही डेवलप करूँ, मैं अपनी जॉब बहुत अच्छी तरीके से कर पाता हूँ। अब फ्रेड की ये बात सुनकर पीटर उसकी मेंटेलिटी को समझ जाता है, और फिर उसको कुछ और ना समझाकर वो घर वापस आ जाता है। वेल, मेन पॉइंट इस चीज का ये था कि ये सिर्फ फ्रेड की ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की मेंटेलिटी है, क्योंकि आज के टाइम में सारे लोग बस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, और इसके लिए लोग स्टॉक्स, बॉन्ड और क्रिप्टो जैसी चीजों में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स पाने की उम्मीद करते हैं। बट जब भी उनसे ये कहा जाता है कि आपको खुद पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लोग ये सोचते हैं कि खुद पर इन्वेस्ट करने से क्या ही रिटर्न्स मिलेंगे, उल्टा हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। बट ये अप्रोच लोगों को कहीं ना कहीं ग्रो होने से रोक देती है, इसी वजह से वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब नहीं कर पाते। वेल, देखो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन वॉरेन बफेट, जो दुनिया के टॉप 10 रिच लोगों की कैटेगरी में आते हैं, वो कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो खुद पर कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा सीखेंगे तभी आप ज्यादा कमाएंगे भी। अब जो लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट आखिर होती कैसे है, किस तरह हम खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं और आपको भी नहीं पता कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट के 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें सीख कर आप फ्यूचर में इनके कई बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टॉप सेइंग यस टू यूजलेस थिंग्स। इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही रेयर और जरूरी स्किल है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस वैल्यूबल स्किल को सीख पाते हैं। पर अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है खुद पर टाइम स्पेंड करना और खुद को डीपली जानना, बिकॉज अपने आप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद को जाने बिना ना आप दूसरों को समझ पाएंगे और ना ही इस यूनिवर्स को। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो आप कुछ टाइम अपने खुद के लिए जरूर बिताएं और ये जानने की कोशिश करें कि आप लाइफ से आखिर चाहते क्या हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी लोग खुद के लिए टाइम स्पेंड करते हैं तो उसी टाइम में वो लोग कुछ नया डिस्कवर कर पाते हैं। न्यूटन भी जब अकेले पेड़ के नीचे बैठकर ग्रेविटी की थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, तभी एप्पल के गिरने से उनको एक आइडिया आ गया, और इसी आइडिया से उन्होंने इतिहास रच दिया। इसलिए भले ही आप कितने भी बिजी हो, आपको अपने खुद के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, और इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आज लगभग हर इंसान अपने नॉर्मली 2 से 3 घंटे तो फोन चलाने और टीवी देखने
में ही बिता देता है, जबकि उसको ये अच्छे से पता है कि ये चीज उसको आगे चलकर कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन सब चीजों में घंटों बिता देने की बजाय अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड जरूर करें। नंबर 2, लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ऐसा इंसान जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है उसकी डिमांड हर जगह पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप एक न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो आप आसानी से बेटर जॉब्स और डील भी क्रैक कर सकते हैं। साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो उस वक्त आपका माइंड दुगनी तेजी से ग्रो होता है और इस चीज से आप पहले से ज्यादा नॉलेजेबल और स्मार्ट बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है और उसको सीखने के बाद अब आप काफी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो ऐसे में जब आप किसी को जॉब इंटरव्यू देते हैं या दूसरे लोगों से बात करते हैं तो लोग आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी देखकर आपकी बहुत तारीफ करते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी वजह बन जाती है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाने की। तो अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही सीखनी है। आपके अकॉर्डिंग जो आपको लैंग्वेज ज्यादा अच्छी लगे आप वो सीखिए, क्योंकि न्यू लैंग्वेज को सीखना भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 4, टेक कोर्स एंड बिल्ड स्किल्स। आज का टाइम बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है, सब कुछ इतना जल्दी बदल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इस तरह के बदलते रेवोल्यूशन में अगर आप खुद को भी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप आगे चलकर फाइनेंशियली सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। COVID-19 की वजह से पिछले साल 122 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी, जिसमें से मैक्सिमम लोग लेबर्स और स्मॉल ट्रेडर्स थे। अब ऐसे में वो लोग जिन्होंने अदर स्किल्स को अपने अंदर ऑलरेडी एक्वायर की हुई थी वो तो उनका यूज करके सर्वाइव कर गए, पर बाकी लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वेल, पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से अपनी लाइफ जीना एक सही बात है, बट जब तक आप खुद में कोई रेयर स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो आपको अपने सिर्फ एक काम के भरोसे ही हमेशा रहना होगा, जो कि आपके लिए बहुत इनसिक्योर साबित हो सकता है। इसलिए अदर स्किल्स भी डेवलप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आप खुद को एक स्किल्ड पर्सन बना सकते हैं, पर सबसे जरूरी स्किल जो आपको अमीर बनने के लिए अपने अंदर डालनी ही होगी वो है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने की स्किल, क्योंकि ये स्किल ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप भले ही किसी भी सिचुएशन में हो आप खुद को स्टेबल करके ग्रो कर सकते हो। अब फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है elearnmarket.com। यहाँ पर आपको 38 वीडियोस का एक पूरा कोर्स मिल जाता है जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट करने से पहले जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और ये चीज अगर आप एक बार सीख गए तो ऑब्वियसली आपके कहीं भी पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब वैसे तो अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आपको इस कोर्स की कीमत 4,720 रुपए मिलेगी, बट अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद डिसेंट 100 नाम का ये कूपन कोड ऐड कर देते हैं तो इसके बाद आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है, जिससे इस कोर्स की बातें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार उस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। नंबर 4, फाइंड अ मेंटोर। ये बात सच है कि खुद के दम पर भी हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बट जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी स्किल्स पर ट्रस्ट करे और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे तब हमारे लिए अपने गोल्स तक पहुंच पाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जिसके पास एक मेंटोर होता है वो उसको हमेशा सही गाइड करता है और उसको न्यू चीजें सीखने के लिए एनकरेज करता है। जब आप किसी मेंटोर से गाइडेंस लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल, नाइकी कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से एक है, उसके ऑनर फिल नाइट आज भी बिल बॉर्मन को अपना मेंटोर मानते हैं, क्योंकि उनकी इस कामयाब कंपनी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिल नाइट जब शुरुआत में अकेले थे तो उस वक्त उनको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट फिर जब उनकी मुलाकात बिल बॉर्मन से हुई तो उन्होंने उन्हें गाइड करके उनकी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि उस वक्त बिल बॉर्मन को शूज की काफी अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए फिल नाइट ने बिल बॉर्मन के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब जब भी दोनों मिलकर शूज बनाते तो बिल बॉर्मन शूज को और भी लाइट वेट करने के लिए हमेशा न्यू मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, और फाइनली उनके एक्सपेरिमेंट्स की मदद से वो लाइट वेट शूज बनाने में कामयाब हो गए।
फिल नाइट अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक शू डॉग में बताते हैं कि बिल बॉर्मन के ट्रस्ट और मोटिवेशन की वजह से ही नाइकी शू कंपनी आज यहां तक पहुंच पाई है। इसलिए जल्दी खुद को ग्रो करने के लिए आपके साथ एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। अब यस, इस बात में भी सच्चाई है कि आज के टाइम में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको पर्सनली गाइड कर सके, और अगर वो गाइड करेंगे भी तो आपसे वो इसके बदले में फीस ले लेंगे। पर ये चीज जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसा मेंटोर बनाओ जो हर वक्त आपके साथ हो। दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर और कामयाब लोग हैं, आप उन्हें अपना मेंटोर बना सकते हैं और उनकी लिखी किताबों से सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी कैसे हासिल की। मेंटोर्स वो होते हैं जो आपके लिए एसेट्स की तरह काम करते हैं, और इन पर इन्वेस्ट करने से डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। तो ये थे गाइस खुद पर इन्वेस्ट करने के चार ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप खुद की लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।